आप सभी का चंचल किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई पनीर। इसके लिए हमने 250 ग्राम पनीर लिया है। हमने 3 मीडियम साइज अपने प्याज को बारीक पीस लिया है और कुछ खड़े मसाले लिए हैं और अपने टमाटर को भी हमने पीस लिया है। हमारा तेल गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे एक दालचीनी का पीस। जब ये दालचीनी अपना कलर छोड़ देगी तब हम इसको निकाल लेंगे। सॉरी गलती से ये दालचीनी ये रतन जोत है जो हमने अपने तेल में डाली जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और ये ढाबे स्टाइल हमारी कढ़ाई पनीर बनेगा। अभी इसने रतन जोत ने अभी कलर छोड़ना चालू कर दिया। अब इसे हम 1 मिनट में निकाल लेंगे। हमने अपनी रतन जोत निकाल ली है। अब हम डालेंगे इसमें अपने खड़े मसाले। हम अपने खड़े मसाले भी निकाल लेंगे क्योंकि हमारे खड़े मसालों में जो फ्लेवर था वो हमारे तेल में आ चुका है क्योंकि फिर मुंह में आते हैं। हमारा तेल कुछ ज्यादा ही गर्म हो चुका है। आप ध्यान रखें कि तेल आपका मीडियम गर्म रहे। अब हम इसमें डालेंगे अपना प्याज का पेस्ट और प्याज की तरह से भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि रतन जोड़ डालने की वजह से कलर प्याज का कलर हमारा कितना अच्छा दिखता है। ढाबे वाले भी ज़्यादातर अपनी सब्जी में रतन जोड़ को तेल में डालते हैं जिसमें इसको तेल की डालने से उसका कलर बहुत अच्छा आता है। हमारी प्याज हल्की सी भुन गई है तो इसी टाइम पे हम 2 बड़े चम्मच अपने डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब तक भूनेंगे जब तक हमारा तेल मसालों से अलग ना हो। हमने अपने 4 टमाटर भी मिक्सी में पीस के तैयार कर लिए। ये भी हम अपने इसमें छोड़ दें थोड़ी देर में। आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज कितनी अच्छी तरह से भूनने लगी है। हमें वैसे आजकल हम नॉनस्टिक में खाना बनाने लगे जबकि नॉनस्टिक में खाना बनाना हमारी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है क्योंकि हम लोहे के बर्तन में खाना बनाते हैं तो उसका आयरन हमारे शरीर में धीरे धीरे करके जाता है जब सब्जी उसमें बनती है। पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर लोहे के बर्तन में आप खाना बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जैसे ही आपका खाना बन जाता है आपको तुरंत निकाल लेना चाहिए तो खाना आपका काला दिखने लग जाएगा। मैं भी इस्तेमाल करती हूँ कई बार नॉनस्टिक बर्तन क्योंकि कई बार हमको आलस आता है कि कौन किस चीज़ें खड़ा रहेगा मसाला छोड़ दिया। पर ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाऊँ। हमारी प्याज बहुत अच्छी तरह से भुज गई है। अब हम इसमें डालेंगे अपने टमाटर की पूरी और फिर चलाते हुए हिलाएंगे लेकिन छिके मारेंगे और फिर 2 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे ऐसे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे अपने मसाले। हम इस टाइम पे अपना नमक भी इसमें ऐड कर देंगे अपने स्वाद अनुसार जितना आपको खाना अच्छा पसंद हो नमक और फिर इसे चला के फिर कवर कर देंगे। हम ऐड करेंगे आधी चम्मच अपनी हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च, 3 बड़े चम्मच धनिया के, सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब भूनने देना। आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हिलाते हुए डालेंगे कसूरी मेथी कि इसका भी फ्लेवर इसके अंदर आ जाए और फिर इसमें हम डालेंगे अपना पनीर। आप देख सकते हैं कि मसाला ने साइड से तेल भी छोड़ना चालू कर दिया, चिपक नहीं रहा और कढ़ाई में तेल दिखाई दे रहा होगा आपको। जब
भी आप अपना पनीर डालें तो आप बहुत हल्के हाथ से उसे मैश करें, नहीं तो पनीर आपका टूट सकता है। और हल्के धीरे धीरे करके आप पनीर को मसाले के अंदर भुजने दें, उसके बाद आप इसमें पानी ऐड करें। आप देख सकते हैं कि हमारा पनीर इसमें अच्छी तरह से मैश होकर भुजने लगा है, तो ये साइडों से कि तेल छोड़ने लगा है। अब इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे और फिर इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपना गर्म पानी। आप अपने हिसाब से अपनी प्यूरी एडजस्ट कर सकते हैं, आप रोटी के साथ खा रहे हैं, चावल के साथ खा रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी प्यूरी को पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। हमारा कढ़ाई पनीर बनके तैयार है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना हरा धनिया। इसे अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स और अपने गैस कर देंगे बंद। एक मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे गैस बंद करके, जिससे हमारे धनिया का फ्लेवर हमारे पनीर के अंदर आ जाए। हमारी सब्जी बनके तैयार है। आप भी इसे बना के एक बार ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।